एक लड़की के लिए सबसे बड़ा दिन होता है उसकी शादी का, जब वह दुल्हन बनकर अपने होने वाले पति के इंतजार में उसकी बारात की राह तकती है। उस वक्त लड़की की खुशियां सातवें आसमान पर होती है, वह पूरी जिंदगी के ख्वाब उस वक्त संजो रही होती है। लड़की के माँ बाप के दिल में भी खुशियों की बाढ़ सी आई होती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर मंडप सजा हो, लड़की खिड़की पर नजर बनाए बैठी हो और खबर आए कि अब बारात नहीं आएगी, दूल्हा नहीं आएगा, शादी नहीं होगी, तो क्या होगा? जिस बाप ने सारी जिंदगी की कमाई उस वक्त एक दिन के लिए खर्च कर दी हो, उस पर क्या बीती होगी? ये सोचकर भी कहीं ना कहीं आपकी भी रूह कांप गई होगी। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक लड़की दुल्हन के जोड़े में नजर आ रही है और वो बता रही है कि लाखों रुपए दहेज में मोटर गाड़ी देने के बाद सोना चांदी देने के बावजूद लड़के ने शादी से इनकार कर दिया, और वो भी शादी वाले दिन। वैसे तो ऐसे वक्त में लड़की की रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, लेकिन इस दबंग लड़की ने जिस तरह से पूरे मामले के बारे में बताया, उसे सुनकर तो लगता है कि आज की लड़की ऐसा होने पर चुप बैठने वालों में से नहीं है। आइए जरा आप खुद भी सुन लीजिए और देख लीजिए कि इस लड़की ने किस तरह से पूरे मामले के बारे में जानकारी दी और क्या कुछ कहा। क्या है मामला मैडम, और क्या घटना है आपके साथ हुई है? सर, आज मेरी शादी होने वाली थी, शाम को 6 बजे से जहाँ से बारात आने वाली थी, उन लोगों ने कहा बारात नहीं आएगी, और शादी में ऑलरेडी पहले से मेरा 30 लाख खर्चा हो चुका है, 12 लाख की कार जा रही है, और जो भी उनकी डिमांड थी वो पूरी की जा रही है। और 2 दिन पहले वो बैंड कैंसिल करवाने के लिए बोल रहे थे कि उनका 25 हजार फालतू जा रहा है, कि 8 बजे लॉकडाउन लग गया है। हम लोगों ने कहा दिन में बारात लेके आई, तो दिन में शादियाँ हो रही हैं, 8 बजे के पहले और जितना भी प्रोग्राम है सब फिनिश कर लेंगे, लेकिन आज इन्होंने सीधे बोल दिया कि शादी नहीं होगी। लड़के वालों ने बारात आई नहीं। आपका क्या नाम है, लड़के वालों क्या नाम है, पूरा डिटेल बताएं। पता सही, डॉटर ऑफ श्रीदयाल सिंह, लड़के का नाम है क्रांति सिंह, सन ऑफ राजकुमार सिंह। लड़के का पता क्या है? सनी गाँव रामादेवी, सनी गाँव करौली गाँव। और आपका पता? मेरा AWS 61 पार्ट 1 गंगाज कॉलोनी। पुलिस आपने बुलाई है? जी। अभी इसके बाद आप क्या करेंगी? मुझे जितना भी खर्चा हुआ, मुझे शादी नहीं करनी है, जितना भी खर्चा हुआ मुझे वो क्लेम चाहिए। मेरी जो इज्जत गई वो तो लड़के वाले ले गए, मुझे उस लड़के की नौकरी भी चाहिए और मुझे अपने पैसे भी चाहिए। शादी तो मुझे नहीं करनी है, इस शादी में मैंने डिनाई किया था। वो लड़का इतना पीछे पड़ा रहा, उसने मैसेज किया तुम्हें दिक्कत नहीं, आज मैसेज रिकॉर्डिंग है पूरे, दहेज भी मांगा गया है। मेन इसके अलावा कोई और कोई बात थी जिससे शादी का इनकार करने की कोई मजबूत वजह? शाम को बताइए, मैं पार्लर में बैठी हूँ, 6 बजे मुझे मैसेज आ रहा है कि शादी नहीं, बारात नहीं आएगी। पहले उनके भैया बोल रहे हैं बैंड नहीं होगा, भाई ने कहा कि यानी बैंड क्यों नहीं होगा, बैंड के पैसे में। इसके अलावा दहेज मांगा गया, किस कारण शादी के, ये बारात ना आने का कोई रीजन? दहेज इनकी घर से पहले से डिमांड थी, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये शादी दिसंबर से बात चल रही थी, फरवरी में फाइनल बात हो रही थी, तो दहेज की डिमांड की पापा ने किया कि ये लड़की के लिए खड़े जाएंगे, ये जाएंगे, तो उसके लिए पैसे चाहिए, लेकिन हम मना कर चुके थे शादी। इनके बेटे ने कन्विंस किया कि नहीं कोई दहेज नहीं लगेगा, तो उस समय तिलक में चढ़ाया गया जो भी था, और फिर कार गई, यानी 30 लाख मेरा मोटा मोटा सर खर्चा हुआ। तो देखा आपने, हालांकि ये वीडियो कहाँ की है इस बात का कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस लड़की को ये हाव भाव देखते हुए तो लगता है कि अब शादी से मना करने वालों की खैर नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट, धन्यवाद।